वो ये आई मेकअप की वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है। एंड अगर आपको मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं करना है, आपको सिंपल वे में अच्छा लुक दिखाना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है। आप सीटीएम एंड प्राइमर वाला प्रोसेस तो करना ही करना है। उसके बाद आपको कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है, अगर आपके फेस पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है तो। फाउंडेशन, कंसीलर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी मेकअप स्टेप है ये, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर, हाइलाइटर, ब्रश, ब्लश से आप अपना मेकअप कंप्लीट कर सकते हो। हाँ, कॉम्पैक्ट पाउडर को अच्छे से लगा लीजिएगा। इस तरीके से पाउडर को अप्लाई करना है पूरे फेस पे, कहीं भी छोड़ना नहीं है, ताकि आपने कुछ लगाया नहीं है फेस पे तो फेस को फुल कवरेज चाहिए, है ना। तो आपको पूरे फेस पे इस तरीके से पाउडर को तो अप्लाई करना ही करना है, साथ में आपके गर्दन को भी नहीं छोड़ना है। इस तरीके से अप्लाई कर लिया पाउडर आपने। अब आपको लेना है ब्लश पिंक कलर, चिक बॉन्स पे स्माइल कीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए। इससे क्या होगा, हल्का फुल्का डार्क स्पॉट भी होगा तो वो हाइड हो जाएगा। एंड डे डे का टाइम है तो बहुत ज़्यादा ब्लश आपको नहीं लगाना है। नोज पे बिल्कुल लगाइएगा, नेचुरल लुक देता है ये। ओके, अब आपको लेना है हाइलाइटर। मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर ले रही हूँ, आपके पास जो है वो आप यूज कर सकते हो। देन हाइलाइटर ब्रश को लेना है, यहाँ पे अप्लाई करना है थोड़ा सा हाइलाइटर। ओके, अब अगर आईज के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो हल्का सा हाइलाइटर आईज के नीचे भी अप्लाई कर दोगे, इससे आपको कंसीलर फाउंडेशन बहुत ज़्यादा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। गालों पे तो करना ही करना है, लिप्स के अराउंड जो भी हाइलाइट पार्ट्स होते हैं वहाँ पे आपको लगा देना है, और दैट्स इट। बहुत ही इजी वे में आपका मेकअप कंप्लीट है, फुल फेस मेकअप सिर्फ एक दो प्रोडक्ट से। एंड आपको लेना है मेकअप फिक्सर, पूरे बेस को फिक्स कर देना है। इससे क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट एक्स्ट्रा लगा होगा वो नॉर्मल हो जाएगा। इसको अच्छे से सूखने दीजिए एंड अपनी फेवरेट लिपस्टिक लीजिए और अपने मेकअप को, मेकअप लुक को कंप्लीट कीजिए। तो मैं यहाँ पे ये कलर का लिपस्टिक ले रही हूँ। लिपस्टिक लगाने के लिए आपको यहाँ से कुछ इस तरीके से लगाना है, ओके। जो भी एक्स्ट्रा लग जाए ऐसे अंदर की तरफ ले जाना है, ओके, बाहर की तरफ नहीं पहुंचना है, नहीं तो आपका जो मेकअप बेस है वो खराब हो सकता है। कॉटन ले लीजिए, अंदर की तरफ पहुंचिए, लेकिन खुद का कर रहे हो तो जैसे मैंने किया ऐसे कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट हमारा मेकअप लुक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये बैंक कट की वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। शॉर्ट्स बैंक है जो कि काफ़ी प्यारे लगते हैं, और कैसे कट करना है, कैसे सेट करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है।
आईलैशेस लगा सकते हो और भी ज़्यादा खूबसूरत लुक पाने के लिए। ज्वेलरी अपनी डाल लो और आपका मेकअप कंप्लीट है ब्लू ड्रेस के साथ। तो ये आई मेकअप का जो आई मेकअप कैसे किया मैंने, इसकी फुल वीडियो डाली हुई है, आप जाके चेक कर लीजिए, आई बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। ये आई मेकअप बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आराम से आप कर लोगे, कोई कट क्रीज नहीं है, कोई कंसीलर नहीं है, बहुत ही आराम से मैंने इसको किया था। हाँ, इसको थोड़ा सा और अच्छा लुक देने के लिए हम यहाँ पे ग्लिटर अप्लाई कर लेंगे। तो वो ग्लिटर लगाने के लिए मेरा ऑलमोस्ट मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है, एंड ब्लू ड्रेस के लिए मेकअप है तो ग्लिटर भी हम लोग यहाँ पे ब्लू ही लेंगे। ओके, एंड यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे। अब ज़्यादा प्यारा लग रहा है दूसरी साइड भी। कभी भी ग्लिटर आपके फेस पे घिस जाए तो डायरेक्ट हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि वो चिपक सकता है आपके फेस के साथ। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है ब्रश एंड कॉम्पैक्ट पाउडर एंड आराम से निकाल दीजिए, तो बहुत इजीली आपका जो एक्स्ट्रा ग्लिटर था वो निकल जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, लुक कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और भी कुछ आपको आई मेकअप से रिलेटेड, ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड वीडियो चाहिए, देखनी है, सीखनी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। नेक्स्ट टाइम मैं उस टाइप की वीडियो जरूर लेके आऊँगे आप लोग के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और कैसा लग रहा है आई मेकअप ज़रूर बताएगा। बाय बाय।